हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी पेडागोजी की क्लासेस चल रही थी, इससे पहले वाली वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। दो तीन वीडियोस होंगी इंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो अभी से लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो हमारा एक सब पॉइंट था आपका ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। तो उसके अंदर हमने ऑडियो के बारे में डिस्कस कर लिया था, जो हमारा टेप रिकॉर्डर था उसी के अंदर मैंने थोड़ा बहुत रेडियो के बारे में भी बता दिया था, ठीक है। तो अब ऑडियो में जो था, जो मेन था उसका पार्ट, वो आपका टेप रिकॉर्डर ही था। उसके अलावा उसके अंदर कुछ मेन पार्ट्स नहीं आते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड बाकी के पार्ट्स हो गए थे, उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एम्पलीफायर और रिप्रोड्यूसर, और आपका जो थर्ड वन था वो था आपका माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, आपकी ऑडियो के अंदर आती थी, टेप रिकॉर्डर को डिवाइड करती है, उसके पार्ट्स थे, ठीक है। तो ऑडियो से रिलेटेड, जो ऑडियो एड से रिलेटेड, आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में अभी स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम विजुअल एड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको इतनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इतने टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। विजुअल आपकी क्या होती है, दृश्य सामग्री, जिनको हम केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, ठीक है। उनके अंदर क्या है, आप ऐसे जानकारियां प्राप्त करते हो किसी भी चीज़ को सिर्फ देख कर। मतलब अगर मैं आपके सामने पेन लेकर आ रही हूँ, तो पेन मार्कर है, ये बोलता तो नहीं है ना, ये आपको बोल बोल के तो नहीं बता रहा ना कि अब हम ये पढ़ेंगे, मैं ये लिखूँगा, मैं वो लिखूँगा। इसको क्या है, आप देख ही सकते हो केवल। तो ये क्या हो गई, ये आपका विजुअल एड हो गया, जिसको आप केवल देख सकते हो, सुन नहीं सकते, ठीक है। तो अब ऐसी कौन कौन से उसके सब टॉपिक्स हैं, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो चेक कर लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है मैप, यानी कि मानचित्र, ग्लोब यानी कि ग्लोब हिंदी में, चार्ट्स, पोस्टर्स, आपका कार्टून्स, और आपका है फोटोग्राफ, ठीक है। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मैप यानी कि मानचित्र। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपका विजुअल एड्स में और क्लासरूम टीचिंग के अंदर भी। आपने स्टार्टिंग से, क्या प्राइमरी क्लास हो या आप 10वीं 12वीं कर गए हो या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने आज तक क्या है, मानचित्रों का आप यूज़ करते ही आ रहे होंगे। अब सोचिए कि मैप्स का, मानचित्र का यूज़ आप किस लिए करते हो, उससे कैसे टीचिंग करते हो। जब भी क्लासरूम के अंदर बेसिकली मैप और चार्ट्स और आपके जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो आपके एसएसटी के सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं, एसएसटी में ज्योग्राफी के अंदर। जब आपको किसी भी विद्यार्थी को या किसी टॉपिक को, जब आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाना हो जो आपकी भौतिक यानी कि आपकी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्थिति है, भौतिक स्थिति है, पर्यावरणीय स्थिति है, चट्टाने हैं, जो माउंटेन्स, हिल्स, रॉक्स हैं, उनके बारे में बताना है, तो इन सारी चीज़ों में क्या है, आपका मानचित्र उपयोग होता है, यानी कि आपका मैप यूज़ होता है, ठीक है। तो अब मैप के बारे में वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि मैप को पढ़ाने के लिए किसी भी स्तर पर ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे गए हैं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव आता है इसके अंदर कि हम इसको वाद विवाद के उद्देश्य से यूज कर सकते हैं। अब आप सोचिए, मानचित्र यानी कि जो आपका मैप है, उससे वाद विवाद कैसे होता है, यानी कि कन्वर्सेशन, डिस्कशन कैसे हो सकता है। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैप के थ्रू आप डिस्कशन कैसे करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने स्टूडेंट्स को मैप दिखाया कि ये इंडिया का मैप है, इसके अंदर पाकिस्तान की सीमा इतनी है, यहाँ तक पाकिस्तान फैला हुआ है, यहाँ पे ये भारत है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, उसको क्या है, वन बाय वन आपने बता दिया, ठीक है। देन क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक पे आप डिस्कशन कर सकते हैं कि बच्चों से जानकारी प्राप्त करें, या बच्चे सोचें कि ये अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, इसके अंदर कितने राज्य होंगे, भारत में जैसे अभी 29 राज्य हैं तो उनकी सीमाएं क्या हैं,
किस किस चीज़ की हर जगह की परिस्थिति सेम है या अलग है, तो ये सारे जब थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एक कन्वर्सेशन होती है, एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वाद विवाद के उद्देश्य के रूप में हम मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, मुख्यतः विद्यार्थियों के मस्तिष्क में स्थानों के संबंध को अंकित करना। मैप का हम क्यों यूज़ करते हैं, किस ऑब्जेक्टिव को सोच के मैप का यूज़ किया जाता है, मैप का यूज़ इसलिए भी किया जाता है कि बच्चों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि उनकी भौतिक स्थिति क्या है, कौन सा स्थान कहाँ पर है। अगर अब मैं यहाँ पे बोल दूँ कि जैसे दिल्ली के अंदर ही हमारा भारत के अंदर दिल्ली है, दिल्ली में भी कई सारी चीज़ें हैं, करोल बाग अलग है, शाहदरा अलग है, उसका भी एक अलग मानचित्र है अपना, तो ये सारी चीज़ें क्या है। और ऐसे ही आगरा में भी शाहदरा पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, स्थानों की जानकारी होना, स्थिति की जानकारी होना, कितनी सीमा में कोई स्थान घिरा हुआ है, इस चीज़ की जानकारी होना, ये सारे पॉइंट्स बच्चों के माइंड में डेवलप करने के लिए हम मैप्स का यूज़ करते हैं, या इस ऑब्जेक्टिव को सोचते हुए हम मैथ्स का मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इतिहास का पृथ्वी पर स्थानीयकरण किया जाता है, मतलब इतिहास का पृथ्वी पर स्थायीकरण बताया जाता है। बच्चों को ज्योग्राफी समझाई जाती है, उनका ब्रह्मांड समझाया जाता है कि उनके प्लैनेट्स क्या हैं, उनका अर्थ क्या है, सन क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आप मानचित्र से सीख सकते हो, स्थितियां सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद उपयोग ना किए जाए तो ऐतिहासिक घटनाओं, भौगोलिक परिस्थितियों की बातें हवा में ही रह जाए तो बालक के बोधगम्य नहीं हो सकती। अगर हम मानचित्र का उपयोग नहीं करेंगे, मतलब अगर हम मैप्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो बच्चे कभी भी इन बातों को ऐसे समझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए अभी मैं, मेरी सामने क्लास है, मैं अगर बच्चों को पाकिस्तान हिंदुस्तान उनकी सीमाओं के बारे में पढ़ा रही हूँ या कोई चीज़ बता रही हूँ, तो मैं ऐसे ही बता सकती हूँ कि देखिए बच्चों ये भारत है हमारा, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, तो बच्चे क्या समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे ना। तो वहाँ पे क्या है, आपको मानचित्र का यूज़ करना यानी कि मैप का यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है। जब तक बच्चे उसकी सीमा को, उसकी शेप को, उसके कलर को नहीं देखते हैं, तो बच्चे क्या है, किसी भी चीज़ को ईजीली नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि बच्चों को कभी भी जब लर्निंग करवाई जाए, सबसे पहला पॉइंट कि बच्चों की हियरिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अगर बच्चे किसी चीज़ को पढ़कर समझ रहे हैं, अगर लेकिन उसी चीज़ को सुनकर समझेंगे तो बच्चे जल्दी लर्न करते हैं। सेकंड पॉइंट विजुअल, कि बच्चों की विजुअल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, कई बार वो चीज़ें होती हैं क्योंकि जिन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं उनको अगर अपने सामने देखते हैं तो हम जल्दी सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टीवी देखते हो, मूवीज़ देखते हो, सीरियल्स देखते हो, आप उनको कभी नहीं भूलते, उनके डायलॉग्स भी कभी नहीं भूलते, इवन ये तक नहीं भूलते कि उनमें उस सीन में क्या हुआ था, कौन से कलर की शर्ट पहनी थी, कैसे एक्शंस दिए थे, क्या एक्सप्रेशन थे, क्या कलर्स थे, कुछ नहीं भूलते, राइट। अब जैसे कुछ कुछ होता है, DDLJ, कितनी पुरानी मूवीज़ है, आज भी आपको उनका एक एक डायलॉग, एक एक एक्शन, कलर तक याद होगा कि उस टाइम पर कौन सा कलर पहना था, किस टाइप की जैकेट पहनी थी, कौन सा सूट पहना था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो क्यों होती है लर्न हमें, क्योंकि हमारी बच्चों की क्या है, हियरिंग पावर और विजुअल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि हम उसको एक बार देखते ही समझ जाते हैं। हम रास्ते पे चलते हैं, हम एक बार बोर्ड देख लेते हैं कि ये चीज़ है, तो हमें लर्न हो जाता है। कुछ घटना घट जाती है, एक्सीडेंट, तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है। लेकिन अगर वही चीज़ें मैं आपको किताबी रूप में पढ़ के सुनाऊँ, आपको पढ़ने के लिए दे दूँ, तब आप जल्दी नहीं समझोगे, ठीक है। तो इसीलिए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ किया जाता है। अगर आप बच्चों को मैप शो कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद, यदि मैप्स का अध्ययन ठीक प्रकार से कराया जाए तो उसे
उससे कक्षा की क्रियाशीलता उत्पन्न की जा सकती है। इसके बाद हमारा उद्देश्य है कि अगर मैप्स का अध्ययन, मतलब मैप्स से रिलेटेड जो स्टडी करवानी है आपको बच्चों को, वो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से कराई जाए कि बच्चे अपनी क्रियाशीलता, मतलब अपनी एक्टिवनेस को वहाँ पे क्या इंक्रीज कर सकते हैं। ये नहीं कि क्लास में बैठे हैं और ऐसे हाथ पकड़ के देख रहे हैं, ओके मैम ये समझा रही है, ओके मैम ये समझा रही है, ओके ठीक है यहाँ इंडिया है या पाकिस्तान है, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन बच्चे के लिए जब आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से उसके कलर्स दिखाते हो, उसकी सीमाएं दिखाते हो, या बच्चों में क्रियोसिटी जागरूक करते हो, तो उसमें क्या होता है, बच्चे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि अच्छा कौन सी सीमा बोल रही है मैम, अच्छा ये वाली लाइन, अच्छा मैम ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी कि बच्चों की, जब को बच्चों को आपको एक्टिव करना हो या बच्चों को मोटिवेटेड करना हो, तो वहाँ पे भी क्या है, आप मैप्स का इजीली यूज़ कर सकते हो अगर आप मैप्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ऐसा भी हो सकता है ना, मैं हूँ अगर मुझे ज्योग्राफी रिलेटेड या मैप्स रिलेटेड कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे मैप लटका के क्या समझाऊंगी आपको, मैप से रिलेटेड तो मुझे कुछ पता ही नहीं, सिर्फ बता दूंगी देखो यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे है, अब मुझे उसकी सीमाएँ नहीं पता, चट्टानें नहीं पता, समुद्री सीमाएँ नहीं पता, टापू नहीं पता, जो आइसलैंड होते हैं आपके लैंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पता, मिट्टी नहीं पता, तो मैं आपको कुछ नहीं समझा सकती, ठीक है। तो इसलिए टीचर को भी उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैप्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब मैप्स के प्रकार, ठीक है, मैप्स के टाइप हैं, तो आप टाइप डिस्कस कर लेते हैं। पहले छोटा सा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। भूगोल संबंधित पाठों में दीवारों पर लगे मानचित्र का प्रयोग ही महत्वपूर्ण होता है। हम कभी भी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कंपलसरी आपका मैप ही होता है, ठीक है। भूगोल का कोई भी टॉपिक मानचित्र के प्रयोग के बिना अधूरा है, मतलब आप ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक पढ़ाइए, उसके बिना, मैप के बिना वो अधूरा है, आप उसके लिए पूर्ण ज्ञान बच्चों के लिए नहीं दे सकते, ठीक है। स्पेशली मैप और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे PGT में कंप्यूटर साइंस से अलग जो हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये वीडियो। तो आप अपने से रिलेटेड सोच के देखिए कि आप SST के टीचर हो, जब आप बच्चों को SST ज्योग्राफी पढ़ाते हो तो आप मैप्स का यूज़ करोगे ही करोगे हर कंडीशन में, वहाँ पे आप मैप को क्या है स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या है, बच्चे का ज्ञान भी स्थायी होता है कि जब वो देखकर सीखता है, इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, बच्चा एक्टिव भी होता है, बच्चे की क्रियोसिटी भी बढ़ती है, तो ये सारे पॉइंट्स को हम वहाँ पे अचीव कर सकते हैं मैप्स के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैप, ठीक है। फर्स्ट टाइप है आपका पिक्चर मैप। पिक्चर मैप में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा, यानी कि चित्र मानचित्र, ठीक है, पिक्चर मैप सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा क्या है, इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप मरुस्थल के बारे में पढ़ा रहे हो, रेगिस्तान के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, पिक्चर्स ड्रॉ कर देते हो। तो पिक्चर्स में कैसे ड्रॉ कर देते हो कि जैसे ये आपने रेगिस्तान पढ़ाया कि ये मरुस्थल है, तो यहाँ पे रेत है तो इसको ब्राउन कलर में कर दोगे, यहाँ पे आप ऐसे ऊँट बना दोगे, यहाँ पे ऐसे पीछे पहाड़ बना दोगे, यहाँ पे सन निकलता हुआ दिखा दोगे, इसको सूखा दिखाओगे, बिल्कुल पतझड़ टाइप दिखाओगे। तो यहाँ पे अगर पिक्चर मैप में आप ये सारे पॉइंट्स रखते हो, मतलब इस तरह से बच्चों को क्या है, पिक्चराइज करके हम किसी भी पॉइंट को बहुत इजी वे में और रुचिकर बना के पढ़ा सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी लेवल के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ की परिस्थिति, यानी कि भूगोलिक परिस्थिति, मिट्टी, पर्वत, शेप, ऊँट, ये सारों की सब चीज़ों की जानकारी आप बहुत अच्छे से क्या है बच्चे को दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड आपका फिजिकल मैप, यानी कि भौतिक मैप। सेकंड टाइप है आपका फिजिकल मैप, यानी कि भौतिक मानचित्र। इसके अंदर क्या है,
कि आप बच्चों को जब भी भौतिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ाते हो कि हरे रंग की घास हो गई या भूमि के बारे में पढ़ा रहे हो मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, भूमि के लेवल होते हैं, पता है ना आपको कि भूमि के हर किसी की चीज़ के लेवल होते हैं। सबसे ऊपर जो होती है वो इतनी ग्रीन होती है, घास होती है उसके ऊपर, तो उसको ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दोगे, उसके नीचे वाली थोड़ी सी पीली, फिर थोड़ी सी काली, ऐसे क्या आप अलग अलग लेयर्स को अलग अलग करके पढ़ा सकते हो। ऐसे अगर आप रॉक्स के बारे में पढ़ा रहे हो तो उनको भी क्या है, भौतिक परिस्थितियों के अनुसार आप अलग अलग पढ़ा सकते हो बच्चों को, ठीक है। तो उसकी थर्ड आपका मैप आता है सर्वे शीट, थर्ड आता है आपका सर्वे शीट्स। सर्वे शीट्स क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट के जो सर्वे डिपार्टमेंट्स होते हैं आपको वहाँ पे ये मैप्स मिलते हैं ज़्यादातर, और इन मैपों के अंदर क्या किया जाता है, एक मील को एक इंच, मतलब एक मील को एक इंच इस तरह से, किसको, एक मील को, एक मील को एक इंच के पैमाने के आधार पर निर्मित किया जाता है। मतलब अगर आपको किसी की परिस्थिति, सीमा परिस्थिति नापनी है कि यहाँ से यहाँ का रास्ता एक मील हुआ, तो आप उसको एक मील को डायरेक्ट क्या लिख दोगे, एक और ये इंच, ठीक है। तो इसको कैसे आपने लिख दिया कि इसको आप सर्वे शीट के अंदर ऐसे नापते हो, तो सर्वे शीट में क्या होता है, इन्हें एक मील को एक इंच के पैमाने के आधार पर निर्मित किया जाता है तथा भारत के सर्वेक्षण के द्वारा इनकी छपाई की जाती है। मैंने आपको अभी बताया कि सर्वे डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको ये वाले मैप्स मिलेंगे, इनमें क्या होता है, दिशाओं, पैमानों आदि के बारे में अभ्यास करवाया जाता है। मतलब दिशा के बारे में आपने वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सारी दिशाएँ आपने मूवी भी देखी होगी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक सनी देओल की कोई मूवी है शायद, तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो खजाना ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो मैप का यूज़ करते हैं, ऐसी हॉलीवुड मूवी भी है, तो उसमें क्या करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं, तो उनके पास कुछ कंपास टाइप रहता है, ठीक है, तो वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन भी दिखाता है। तो जो आपको पैमाने दिखाए जाते हैं, जो आपको मानचित्र के अंदर दिशाएं दिखाई जाती हैं, वो कंपास में दिखाए जाते हैं, लेकिन मानचित्र के अंदर यानी कि मैप के अंदर जो दिखाई जाती हैं पैमाने, दिशाएँ, वो एक इंच में एक मील को कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आपके सर्वे शीट के अंदर रखी जाती है, ठीक है। और ये वाले अगर आपको मैप्स देखने हैं तो आप सर्वे डिपार्टमेंट्स में, जो गवर्नमेंट के सर्वे डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर आपको ये मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बाथी ऑर्गेकिकल मैप, ठीक है। फोर्थ आता है टाइप आपका बैथी ऑरोग्राफिकल मैप, ठीक है। ऑरोग्राफिकल मैप कौन से होते हैं, इसके अंदर रंगों की सहायता से ऊंचाई, गहराई, ये सारी चीज़ें क्या है, दर्शाई जाती है। देखो फर्स्ट में क्या था, पिक्चर के अकॉर्डिंग दर्शाई जाती है, पिक्चराइज किया जाता है। सेकंड में क्या था कि लेयर के अकॉर्डिंग पिक्चराइज किया जाता है, जो फिजिकल आपको भौतिक चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है, क्या वो चट्टाने हो, मिट्टियाँ हो, आपकी भूमि हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सर्वे शीट के अंदर आपकी दिशाएं और पैमानों को रखा गया था, और फोर्थ ऑरोग्राफिकल मैप के अंदर क्या चीज़ रखी गई है कि ऊंचाइयां दर्शाई जाती है, गहराइयां दर्शाई जाती है, किसी पहाड़ की कितनी ऊंचाई है, कितनी किसी नदी की कितनी गहराई है, किसी समुद्र की कितनी गहराई है, ये सारी चीज़ें क्या है, इस प्रकार के मानचित्र के अंदर रखी जाती है, ठीक है। फिफ्थ टाइप है आपका ब्लैक बोर्ड मैप्स, फिफ्थ पॉइंट है आपका ब्लैक बोर्ड मैप्स, ठीक है। ब्लैक बोर्ड मैप्स क्या होते हैं, इसमें एक चीज़ बोल दी गई है आगे कि ब्लैक बोर्ड तो आपका ये भी है, शामपट जिसको हिंदी में बोलते हैं, ले तो इसका मतलब ये मैप है, ये मैप नहीं है। ब्लैक बोर्ड मैप वो होते हैं कि कोई टीचर अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर किसी प्रकार का चित्र बनाने से या किसी प्रकार की ड्राइंग बनाने की समस्या से जूझ रही है, मान लीजिए किसी टीचर की ड्राइंग अच्छी नहीं है, जैसे मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं कोई चीज़ देख के बना सकती हूँ, बिना देखे नहीं बना सकती, तो अगर मैं यहाँ पे अगर इंडिया का मैप बनाने लगूँ तो मेरे से नहीं बनेगा, तो इसीलिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगी, उस चीज़ से बचने
पूछने के लिए कि आप पता नहीं क्या सोचोगे कि मैम ने ये भारत का नक्शा बनाया है, कौन सी रोटी बना दी, तो इसमें आपको दिशाएं नहीं पता चलेंगी, ये चीज़ नहीं पता चलेगी कौन सी चीज़ कहाँ है क्या है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं क्या करूँगी कि एक मानचित्र का यूज़ करूँगी अच्छे, और स्थापन का काम करते हैं, जैसे भारत के राज्यों का खाका मानचित्र, विश्व के महाद्वीप, यूरोप के देशों का मानचित्र। मतलब ब्लैकबोर्ड मैप मानचित्र, यानी कि ब्लैकबोर्ड मैप्स आपके वो होते हैं जिसके अंदर आप ब्लैकबोर्ड पे काम करने से बचना चाहते हो। मतलब वहाँ पे आपको ब्लैकबोर्ड के ऊपर चित्र नहीं बनाने, कलाकृतियाँ नहीं करनी, ड्रॉ नहीं करना। उस कंडीशन में बचने के लिए आप क्या करोगे, एक छोटा सा ग्राफिक्स यूज़ करोगे, खाका यूज़ करोगे जो आपकी दिशाओं को दर्शाए, राज्यों को दर्शाएं, यूरोप से मतलब कोई भी किसी भी देश के महाद्वीप को दर्शाएं। वो चित्र आपके किसके अंदर आते हैं, ब्लैकबोर्ड मैप्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एटलस मैप, एटलस मैप, ठीक है। एटलस मैप्स क्या होती है, ये वाली आपने भी देखा होगा प्राइमरी मतलब सॉरी एलिमेंट्री लेवल से, सिक्स क्लास से, सेवन क्लास से सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है एटलस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दो पेजेस होते हैं आपके ऐसे, तो एक साइड क्या है आपका मैप ड्रॉ होता है, उसमें जो भी आपको पढ़ाया जाना है कि आपकी भौतिक स्थिति पढ़ानी है, चट्टानें पढ़ानी है, रॉक्स पढ़ानी है, एक्सेट्रा, जो भी मतलब टॉपिक पढ़ाना है वो आपका यहाँ पे होता है, और यहाँ पे सेम आपका एक ब्लैंक होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर पहले उनको बता देते हैं ये चीज़ यहाँ पे, ये ऐसे इस कलर में ये, देन बच्चे उसको सेम ड्रॉ करते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए, उनकी रिपीटेशन और लर्निंग भी हो जाए, ठीक है। तो ये होती है हमारी एटलस, जिसके अंदर एक हमें फिलिंग वाला मिलता है और एक हमें ब्लैंक मिलता है, जो हमें बच्चे अपने कलर और उसकी सहायता से उसको फिल करते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारा एटलस मैप। उसके बाद आता है सिक्स सेवेंथ आपका मेमोरी मैप। ये मानचित्र की एक अन्य प्रकार की है जिन्हें व्यक्तित्व विद्यार्थी के द्वारा निर्मित किया जाता है, और इन्हें मेमोरी मैप्स के नाम से जाना जाता है। अब इनको मेमोरी मैप्स क्यों कहा जाता है, इसकी महानता इस बात पर निहित करती है कि विद्यार्थियों को अपने तथ्यों के ज्ञान के लिए कितनी अभिव्यक्ति है या कितने अवसर प्रदान किए गए हैं। मतलब मेमोरी मैप को मेमोरी मैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाले मैप बच्चों के द्वारा बनवाए जाते हैं, ये चीज़ चेक करने के लिए कि बच्चे को किसी टॉपिक से रिलेटेड कितना ज्ञान है, कितनी उनकी नॉलेज है, या किसी चीज़ के बारे में बच्चों को यहाँ पे क्या है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं जिससे बच्चे अपने आप को एक प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। ये होते हैं आपके मेमोरी मैप्स। अब आपका इसके बाद का पॉइंट, ये सारे पता चल गए आपको, ये आपके सेवन टाइप के मैप्स थे। फर्स्ट पिक्चर मैप, फिजिकल मैप, सर्वे शीट, ओरोग्राफिकल मैप, ब्लैकबोर्ड मैप, एटलस मैप और मेमोरी मैप, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि मानचित्र जो आपके मैप होते हैं उनको रीडिंग कैसे किया जाता है। मैं आपके सामने मैप लटका दूं, मैप का मानचित्र दिखा दूं, तो सब उनको पढ़ सकते हैं क्या, उनके अंदर डिग्रीज भी होती हैं, सीमाएं भी होती हैं, उनमें कुछ ऐसे बॉक्स होते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे बॉक्स होते हैं कि इसको रेड कलर में कर दिया ये चीज़ दर्शा रही है, इसको ये ब्लू कलर में कर दिया ये चीज़ दर्शा रही है। तो सबको मैप पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। तो मैप रीडिंग कैसे होती है वो चीज़ देख लेते हैं। मैप रीडिंग के अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आता है सामान्य सूचना, यानी कि नॉर्मल जो आपकी सूचना दी जाती है वो आप देंगे मानचित्र के अंदर, जैसे शीट संख्या, प्रदर्शित क्षेत्र का नाम, मानचित्र के नीचे दिए गए पैमाने, स्थान की गणना, प्रदर्शित चिन्हों का ज्ञान। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैप के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ आपको कुछ डिग्रीज प्रोवाइड कराई गई होती हैं, कुछ ऐसे कलर्स के अकॉर्डिंग कुछ बॉक्स दिए गए होते हैं जिनका सबका अलग मतलब या अलग कुछ उनको इंडिकेट करता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैप्स के बारे में फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इस प्रकार की जानकारी देंगे। जैसे इसमें मैं एक आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ,
जैसे भवनों को लाल रंग से दर्शाया गया है, और जहाँ पे मान लीजिए ये मैंने अभी ये मैप बना दिया फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का, अब मैं सोचना कि ये किस चीज़ का मैप बना दिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, तो ये मैप बना दिया है, तो अगर मेरे को यहाँ पे पानी दिखाना है कि पानी होना चाहिए मैप के अंदर, पानी है, तो मैं यहाँ पे तो नहीं लिखूँगी ना कि ऐसे करके ब्लू कलर यहाँ पे लिख दूँगी पानी है, ये चीज़ नहीं करूँगी, तो क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर कर दिया और यहाँ पे ब्लू कर दिया, यहाँ पे ब्लू कर दिया, ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी कि ऐसे जो ब्लू कलर में है वो क्या है, पानी है, ठीक है, तो बच्चों को पता चल जाएगा कि मैप के अंदर जो भी ब्लू कलर में है वो पानी है। घास दिखानी है, ग्रीनरी दिखानी है, लैंड दिखाना है, तो यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर होगा वो क्या हो जाएगा आपका कि घास हो जाएगी, बाहर उसको इंडिकेट कर दूंगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इंडिकेटर्स होंगे, इंडिकेटर्स हैं आपके मैप के, तो ये सारी चीज़ें आपके सारे स्टेप किसके अंदर आते हैं, आपके फर्स्ट स्टेप के अंदर आते हैं, जिससे बच्चों को ये सारी जानकारी देनी है कि मैप रीडिंग कैसे की जाती है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्षेत्र के भौतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, मतलब अब हमने इंडिकेटर्स समझ लिए कि क्या होता है, पता चल गया कि ब्लू पानी को दर्शा रहा है, ग्रीन क्या है घास को दर्शा रहा है, लैंड को दर्शा रहा है, भूरा रंग आपका पहाड़ों को दर्शा रहा है, ऐसे अब क्या है भौतिक स्थिति की ओर आएंगे, मतलब मैप पे फोकस करेंगे कि ये चीज़ें कहाँ पे है, वो कलर्स फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें। इस चरण में पर्वत, समुद्र, तट इत्यादि की परिधि की रेखाओं से भूमि का अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हम ये चीज़ देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे पानी है तो इसकी सीमा क्या है, हो सकता है ना यहाँ पे जैसे गोवा हो कि गोवा से लेके यहाँ तक उसका कोई शहर है या अन्य कोई राज्य है तो यहाँ तक पानी फैला हुआ है, तो बच्चे देखेंगे गोवा से लेके यहाँ तक पानी फैला हुआ है तो इस चीज़ को पढ़ेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप के अंदर भौतिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर वनस्पति भौतिक कारकों जैसे कि जलवायु, मिट्टी आदि पर निर्भर करती है, इसलिए उस क्षेत्र की वनस्पति की व्याख्या करेंगे। मतलब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आप कहीं की भी जलवायु यानी कि जो बच्चे को, एक होता है मौसम और एक होता है जलवायु, मौसम क्या होता है, मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जलवायु क्या होती है, जो वहाँ की कंडीशन को 12 मार्च वही दर्शाती है कि वहाँ की कंडीशन कैसी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ की अलग है, अगर आप बाहर के शहरों में जाओगे तो वहाँ की शीत होती है, ठंड होती है वहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया, अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर है मानव भूगोल या प्रमुख उद्देश्य मानव तथा भौतिक कारकों के बीच क्रियाओं तथा अंतःक्रियाओं की व्याख्या करना। फोर्थ पॉइंट में क्या आ गया कि जो मैनमेड थिंग्स होती हैं, जो नॉर्मल थिंग्स होती हैं, उन सब चीज़ों के बीचों में क्रियाएं करना, जैसे आप चीज़ों आपको बच्चों को ये बताना कि वनस्पति कैसी होती है, जंतु जानवर क्या होते हैं, मनुष्य क्या होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनके कारण से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये क्या है, समुद्र की गहराई के अंदर से मिलता है, जब बहुत लाखों वर्ष पूर्व जो जानवर होते हैं, मछलियाँ होती हैं, वो मर जाती हैं, उनके अवशेष होते हैं, वो गल सड़ जाते हैं, तो उनसे ये सारी चीज़ें हमें डीजल वगैरह जो ईंधन होते हैं वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो बच्चों को ये सारी चीज़ों की क्या है, फोर्थ पॉइंट के अंदर जानकारी देना। अब उसके बाद आता है पांचवा स्टेप, आपका लास्ट स्टेप, इसके अंदर क्या है, निष्कर्ष निकालना। लास्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि संपूर्ण क्षेत्र कारकों तथा मनुष्य के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अध्यापक को उद्देश्य विद्यार्थियों के मानचित्र का स्वयं अध्ययन करने के योग्य बनाना चाहिए। लास्ट में हमें वही वैल्यूएशन करना है कि जब टीचर उनको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ा देगी कि फर्स्ट स्टेप में वो इंडिकेटर समझा रही है, सेकंड स्टेप में क्या है उसकी भौतिक स्थिति समझा रही है, थर्ड में बाकी चीज़ें
पर्वत पहाड़ समझा रही है, फोर्थ के अंदर उसके जो डीपली चीज़ें हैं जैसे कि मैनमेड थिंग्स हैं और ये सारी चीज़ें समझा रही है, तो फिफ्थ पॉइंट में क्या करेगी, वो इवैल्यूएशन करेगी, बच्चों को समझाएगी कि जिससे बच्चे भी क्या है अपने आप मैप रीडिंग कर सके, मैप्स को समझ सके, उसकी इम्पॉर्टेंस को समझ सके, उसके यूजेस समझ सके, उसके मैरिट डिमेरिट समझ सके। ठीक है, ये तो थे आपके मैप्स। ठीक है, मैप्स यहीं पे फिनिश होता है क्योंकि जो मैप्स है आपने मेन बातें इसके अंदर सारी पढ़ी ली हैं कि टाइप कितने होते हैं, स्टेप क्या होते हैं मैप्स को रीड करने के और देखने के, और यूजेस जो आपके डी मैप वो सॉरी मैरिट्स थे वो हमने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से उद्देश्य रखे गए हैं जिसके लिए हम मैप्स का यूज़ करते हैं, तो वही आपके यूजेस और आपके मैरिट्स होते हैं क्योंकि उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या है आप मैप्स का यूज़ करते हैं क्लासरूम टीचिंग के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी मैप हो मैप्स के अंदर आ गई। अब बात आती है सेकेंड पॉइंट है आपका ग्लोब। ठीक है, पृथ्वी के लगभग गोलाकार आकार को बहुत अच्छे ढंग से ग्लोब के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, अब आप मानचित्र आपने पढ़ा, मैप पढ़ा। ठीक है, मैप के अंदर क्या है, मैप के अंदर आप बच्चों को ये चीज़ समझा सकते हो कि पृथ्वी गोल है, चपटी है, कैसी है, ये चीज़ बता सकते हो क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं बता सकते। अगर मैं आपको मैप के थ्रू बच्चों को मैप के थ्रू ये चीज़ समझाई जा सकती हो कि जो हमारा ग्लोब है या पृथ्वी है सॉरी जो हमारा अर्थ है वो गोल है या नीचे से थोड़ी चपटी है, तो मैप से आप कैसे समझाओगे? मैप तो क्या है, आपका एक स्क्वायर में हमें मिला होता है स्क्वायर शेप में कि आपका ये स्क्वायर शेप में मैप है, इसके अंदर जो चित्र है डायग्राम है वो है। ठीक है, लेकिन आप इससे गोलाई कैसे बताओगे किसी चीज़ की, चपटा है ये कैसे बताओगे, ये चीज़ तो नहीं बता सकते। तो इसके लिए आपको किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, आपका सेकेंड पॉइंट जो आपका ग्लोब है। ठीक है, तो पूरी जो आपकी पृथ्वी है पूरी पृथ्वी को एक छोटे से आकार में समेट कर ग्लोब के अंदर रखा जाता है, एक ग्लोब का निर्माण कराया जाता है जिसके अंदर आप क्या है पृथ्वी की शेप आकार बच्चों को पढ़ा सकते हो, अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर ग्लोब पर पृथ्वी की प्रमुख विशेषताएं जैसे बंदरगाह, द्वीप, समुद्र, देश, नहरें, मैप के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते। मैप में क्या होता है, केवल आप सीमाएं और रेखाएं बता सकते हो कि ये वाली जगह मतलब ये है कि मान लीजिए दिल्ली इतनी है तो यहाँ से पाकिस्तान इतना हो गया, ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान इतना हो गया, ऐसे बता सकते हो। ठीक है, लेकिन आप उनकी जो समुद्र के बारे में है, द्वीपों की गहराई आपको दिखानी है या नदियाँ नहरें आपको बतानी है, ये सारी चीज़ें क्या है आप ग्लोब के माध्यम से बताओगे, मानचित्र के माध्यम से बच्चों को नहीं समझा सकते हो। और एक और बात, जो आपकी रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं, कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं, विषुववृत्त रेखाएं, अंटार्कटिका, एंटार्कटिका, ये सारे क्षेत्र आप किससे दिखाओगे, वो भी आप ग्लोब के माध्यम से दिखाओगे, ये सारे मानचित्र के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ग्लोब के माध्यम से आप बच्चों को क्या क्या चीज़ें समझा सकते हो, क्या क्या चीज़ें पढ़ा सकते हो, आप उनको मेटल रॉड्स के बारे में बता सकते हो और अपनी सारी दिशाएं बता सकते हो कि पश्चिमी दिशा, पूर्वी दिशा, उत्तर दक्षिणी दिशाएं, और उसके बाद आप डिग्रीज और कोण बता सकते हो कि हमारी पृथ्वी कितने डिग्री कोण पर झुकी है, कहाँ पे मिलती है, ये इस वाली रेखा पे कौन सा कोण बनता है, ये सारी चीज़ें बता सकते हो। और एक मेटल का चक्र गोलक को घेरे होता है जिसमें केंद्रों के किनारों से बंधा हुआ होता है, और गोलक क्या है सभी चक्र में समांतर रेखाओं से गुजरता है। जो आपका ग्लोब होता है वो कुछ जैसे इस प्रकार का होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है सभी ऐसे रेखाएं जो होती हैं उसके अंदर आप उनको बता सकते हो बच्चे को कि ये रेखाएं कौन सी हैं,
कितनी डिग्री पे है, कौन सी विषुवर्त है, कौन सी कर्क है, कौन सी सीमा को जोड़ रही है, किस देश को जोड़ रही है, कैसे आप समय देख सकते हो, जो एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो घड़ी होती है वो कैसे चलती है, उसके अनुसार समय परिवर्तन कैसे होता है कि यहाँ इंडिया में अलग समय हो रहा होता है, अमेरिका में अलग समय होता हो रहा होता है, मौसम कैसे आप बता सकते हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं आप ग्लोब के माध्यम से बता सकते हो, उसके अलावा आप किसी भी चीज़ से नहीं बता सकते। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ग्लोब्स, ग्लोब्स के कितने प्रकार हैं। फर्स्ट आपका आता है राजनीतिक ग्लोब यानी कि पॉलिटिकल ग्लोब, फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल ग्लोब। राजनीतिक ग्लोब की सहायता से किसी भी देश की ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं समय सामयिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे किसी देश की राज्य का विस्तार कितना हुआ, प्रमुख नगर कौन से हैं, बंदरगाह कौन से हैं, पर्यटन स्थल कौन से हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं आप पॉलिटिकल मैप के थ्रू कर सकते हो, जो आपको ये चीज़ दर्शाता है कि भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं, कितनी कितनी सीमाओं से हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना सब राज्यों की सीमाएं सेम होंगी, कोई बड़ा राज्य भी हो सकता है, कोई छोटा राज्य भी हो सकता है, कोई इत्तू सा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आप पॉलिटिकल मैप के थ्रू पढ़ सकते हो, और उसके अंदर बंदरगाह पता चल सकते हैं, यहाँ पे आपको आइसलैंड है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे पानी है, तो ये सारी स्थितियाँ जो आप पढ़ते हो वो आप पॉलिटिकल मैप के थ्रू पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भौतिक ग्लोब, सेकेंड टाइप है फिजिकल ग्लोब, सेकेंड टाइप आ गया आपका फिजिकल ग्लोब। इसके अंदर क्या है कि किसी भी स्थान की भौतिक परिस्थितियां एवं प्राकृतिक संपदा का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे नदियां, पहाड़, सागर, जलधाराएं, हर कहीं की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, जो प्राकृतिक स्थितियां हैं, जो फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो हर जगह का अलग होता है। जैसे आप छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ, दिल्ली, दिल्ली में क्या है, अब यहाँ पे मौसम परिवर्तन आप देखते ही हैं कि यहाँ पे गर्मी आ रही है, 6 महीने की सर्दी आ रही है, बीच में बरसात आ रही है, ये सारे मौसम आते हैं, ठीक है। आप मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे 12 मास का मौसम क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। वहाँ पे स्वेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो किसी क्षेत्र की स्थिति और विशेषताएँ और जहाँ पे आपको वहाँ की जलवायु और ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो आप फिजिकल ग्लोब के लिए फिजिकल ग्लोब को रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका आता है फिजिकल एंड पॉलिटिकल ग्लोब, यानी कि पॉलिटिकल प्लस फिजिकल ग्लोब, जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें बताई जाती हैं। फिजिकल एंड पॉलिटिकल ग्लोब आ गया आपका थर्ड पॉइंट। इस प्रकार के ग्लोब के केवल खाके बनते हैं, मतलब प्रॉपर ग्लोब नहीं होता। इन खाकों में विद्यार्थी एवं अध्यापक आवश्यकता अनुसार देश, द्वीप, महासागर, सागर, झील, पहाड़ आदि के लिए भौतिक परिस्थितियां तथा राजनीतिक परिस्थितियां के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब जो फिजिकल एंड पॉलिटिकल ग्लोब यानी कि दोनों को इंक्लूड करके बनाए जाते हैं, उनका सिर्फ एक रफली खाका तैयार किया जाता है, उसको ऐसे मेटल और इन सब में रेडी नहीं किया जाता प्रॉपर वे से, सिर्फ रफली तैयार किया जाता है, जो आपको दोनों चीज़ यानी कि क्षेत्र की जानकारी, जलवायु की, महासागर की, पहाड़ों की, इन सब चीज़ की जानकारी आपको दे देगा। उसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट जो है आउटलाइन ग्लोब यानी कि खाका ग्लोब। फोर्थ पॉइंट आता है आपका आउटलाइन ग्लोब यानी कि खाका ग्लोब। आउटलाइन ग्लोब क्या होता है, इस प्रकार के ग्लोब को भी केवल खाके के बने होते हैं। इन ग्लोबों के अंदर क्या होता है, सॉरी ये गलत हो गया कुछ, दोबारा समझा देती हूँ। जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या था, फिजिकल पॉलिटिकल ग्लोब थे, जिसके अंदर जो एक मतलब दोनों परिस्थितियां रखी जाती हैं, फिजिकल भी और आपकी पॉलिटिकल भी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट समझा, और सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या होता है कि भौतिक राजनीतिक ग्लोब की सहायता से भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के विषय में क्या है, जानकारी बच्चों को दी जाती है। मतलब
जो आपके दोनों टाइप के ग्लोब होते हैं, जो फिजिकल और पॉलिटिकल होता है, उसके अंदर आपकी सिविक्स भी पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल भी पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो आपके पॉलिटिकल ग्लोब्स होते हैं उसके अंदर आपकी पॉलिटिकल पढ़ाई जाती है, जो आपकी फिजिकल होती है उसके अंदर बेसिकली आपकी ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका आउटलाइन ग्लोब। जो आउटलाइन ग्लोब क्या होते हैं, खाका ग्लोब, जो एक खाका रेडी किया जाता है, मतलब वो ऐसे स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होता है उनका प्रॉपर वे में, एक रफली खाका रेडी किया जाता है कि रफली कोई चीज़ें यूज़ करी और फेंक दी बाद में, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर द्वीप, महासागर, झील, पहाड़, नदियाँ, झरने, इन सब का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके फोर टाइप के ग्लोब्स, पॉलिटिकल, फिजिकल, फिजिकल पॉलिटिकल ग्लोब और आउटलाइन ग्लोब, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब इसके बाद बात करते हैं ग्लोब की विशेषताएं और गुण, मतलब ग्लोब क्यों पढ़ाना चाहिए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, कि वो आपकी टीचिंग में यूजफुल है। फर्स्ट पॉइंट है, यह उचित ढंग का बना होना चाहिए। सब पहली विशेषता इसकी होनी चाहिए कि एक और प्रॉपर वे में बना होना चाहिए, बिल्कुल हमारी पृथ्वी के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। अब आपको पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है तो इसको भी गोल ही बनाना है, ये नहीं कि पृथ्वी गोल है पता है क्या हो गया, लेकिन बच्चों को तो सीमाएँ, रेखाएँ, पहाड़, देशांतर रेखाएँ समझानी है, तो इसको गोल ना बना के चपटा बना देते हैं, त्रिकोण बना देते हैं, कि तो आपने ट्राइंगल शेप में बना दिया, इसमें भी आप बच्चों को दिशाएं, महाद्वीप सब समझा सकते हो, लेकिन नहीं, हमें क्या है, एक ऐसा डुप्लीकेट रेडी करना है कि ये आपकी जीती जागती पृथ्वी लगे, इसमें एक एक रेखा, इतनी बारीकी, डिग्री और पॉइंट्स को भी मेज़र करना होता है प्रॉपर वे में, कि अगर 66 डिग्री पे है तो यहाँ पे भी वो इसके अकॉर्डिंग 66 डिग्री पे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पे 78 डिग्री पे चली गई, कोई बात नहीं, बच्चों को पढ़ा 66 देंगे, बच्चे कौन सा गिन रहे हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, इसमें स्पष्ट रूप से अक्षांश, देशांतर रेखाओं तथा अन्य भागों को प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी पृथ्वी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारे ग्लोब के अंदर बिल्कुल डुप्लीकेट रूप में आपको रखने हैं, क्या वो अक्षांश, रेखाएं हो, डिग्रीज हो, आपकी कोई भी चीज़ हो, तो इसके अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आपको प्रदर्शित करना है। उसके बाद आता है, ये अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 66 डिग्री है तो ये 66 ही है, 67 नहीं लगनी चाहिए। अक्षांश रेखा बताइए आपने तो ये अक्षांश ही है, देशांतर नहीं होनी चाहिए, और पृथ्वी में भी एक्चुअल में भी क्या है, यहीं पे होनी चाहिए, ये नहीं आपने ग्लोब में यहाँ बता दी लेकिन पृथ्वी, हमारी जो एक्चुअल पृथ्वी है उसमें यहाँ पर है ये चीज़, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी इसका सही ढंग से अध्ययन कर सके, और अच्छा होगा यदि पैमाना 1 इंच यानी कि 500 मील हो तो, ठीक है। उसके बाद यदि ग्लोब को कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम के अंदर टांगना हो तो ग्लोब कैसा होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए, जिससे बच्चों को शो करने में बहुत इजी हो। मतलब मान लीजिए आपको बच्चों को ग्लोब पढ़ाना है या पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है, तो अगर आपने एक मेज पे रख दिया तो एक मेज पे क्या होगा, बच्चों को सामने का दिखाई देगा, या आप उसको मूव कर रहे हो तो मूव करने में क्या होगा, बच्चों को अपने बेंचेस से वो नज़र नहीं आएगा, तो आप बच्चों की इतनी ऊंचाई पे तो टांगिए ना कि बच्चों को सामने से दिखाई दे कि यहाँ पे ये चीज़ है, आपने फिर मूव किया, फिर आ देखिए ये चीज़ है, तब बच्चों ने समझा। तो इसीलिए अगर आपको टांगना हो तो ट्राई करिए कि ग्लोब क्या हो, मेटल का हो, जो जल्दी ख़राब ना हो और टूटने फूटने की कोई उसमें गुंजाइश ना हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा, ग्लोब के द्वारा सभी तथ्यों को स्पष्ट और सफाई से दर्शाया जाना चाहिए, ठीक है। ये आपने पढ़ ली ग्लोब के जो मेरिट्स थे और इसकी क्वालिटीज थी, करेक्टरिस्टिक्स थी। अब बात करते हैं ग्लोब का सामाजिक अध्ययन में क्या महत्व है, मतलब ग्लोब का यूज़ तो आप मैथ्स में नहीं करोगे ना, साइंस पढ़ाने में नहीं करोगे, तो ग्लोब का बेसिकली आप यूज़ क्या करो, कहाँ करोगे, सामाजिक अध्ययन यानी कि SST पढ़ाने में, जिसमें आपकी पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर आपकी सिविक्स आती है, ये सारी चीज़ों में, ठीक है। तो वहाँ
वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है कि हमें ग्लोब का यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, ग्लोब की सहायता से विश्व के बारे में सही से बताया जा सकता है। पूरे विश्व के बारे में क्या है, आप बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो, शो कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, मौसम, ऋतु, दिन रात, अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन को ग्लोब से समझाया जा सकता है। हमारे मौसम परिवर्तन कैसे होते हैं, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, मतलब वेदर कैसे चेंज होते हैं, दिन रात, डे और नाइट्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप ग्लोब के माध्यम से समझा सकते हो। ग्लोब की अनुपस्थिति में गोलार्ध के बारे में उचित जानकारी देना संभव नहीं होता। अगर आपके पास ग्लोब नहीं है और आप गोलार्ध के बारे में यानी कि अक्षांश रेखाएं पढ़ा रहे हो, देशांतर रेखाएं पढ़ा रहे हो, पृथ्वी का झुकाव पढ़ा रहे हो कि पृथ्वी इतनी डिग्री झुकी हुई है, किस रेखा पे झुकी हुई है, कौन सा हमें समय दर्शाता है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय समय होता है वो कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। उसके बाद पृथ्वी किस प्रकार अपने कक्ष पर घूमती है। देखिए, जो पृथ्वी है, जो मतलब ग्लोब है, वो क्या है, यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया होता है, जो आपका ग्लोब भी बनाया जाता है ना, वो ऐसे बनाया जाता है, जो आपका एक स्टैंड होता है उसमें यहाँ पे एक इंक से जॉइंट होता है और यहाँ पे भी एक उससे जॉइंट होता है और ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ग्लोब का नीचे का समतल चीज़ है, जो फ्लैट पॉइंट है, वो आपकी स्टैंड से टच नहीं होती और वो ऊपर ही ऊपर क्या है, अगर मैं इसको इधर से मूव करूँ तो वो ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, क्योंकि ऊपर से भी जॉइंट है यहाँ से भी, तो एक्चुअल में भी हमारी पृथ्वी अपने पॉइंट पर भी गोल गोल घूमती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए पृथ्वी अपने कक्ष पे कैसे घूमती है, ये चीज़ आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। इस प्रकार वो सूर्य के चक्कर कैसे लगाती है कि पृथ्वी यहाँ पे है और यहाँ पे आपका सन है और पृथ्वी यहाँ पे है, तो पृथ्वी क्या है, ये ऐसे 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 इसके चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ा सकते हो बच्चों को। सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ये समझने में ग्लोब की आवश्यकता होती है। उसके बाद विश्व के विभिन्न भागों की स्थितियों, थल मार्क और ग्लोब को समझने में आसानी होती है। ग्लोब के द्वारा क्या है, आप विभिन्न स्थितियों, जैसे कि यहाँ पे अब आपको पता है भारत या अंटार्कटिका के बारे में आप बता रहे हो, तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मनुष्य नहीं रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है या वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा माइनस डिग्री में होता है कि वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है और वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है धीरे धीरे, ये सारी चीज़ें जब आप परिस्थितियाँ बताते हो और ये सारी चीज़ें समझाते हो बच्चों को, तो भी आप ये ग्लोब के माध्यम से समझा सकते हो। ग्लोब की सहायता से विश्व के विभिन्न स्थानों में तुलनात्मक दूरी का, मतलब ग्लोब की सहायता से आप क्या कर सकते हो कि आपको अमेरिका पढ़ाना है तो यूएसए इतना है, वहाँ से इधर जाने के लिए आपको इन इन मार्गों को क्रॉस करना पड़ेगा, आपको इतने समुद्र आएंगे, इतनी आपको पहाड़ मिलेंगे, ये चीज़ मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, आप ग्लोब के माध्यम से बच्चों को बता सकते हो। देशीय और अंतर्राष्ट्रीय समय की जानकारी देना, जैसे आपकी देशीय समय होता है, हर देश का अलग वो होता है, या अंतर्राष्ट्रीय एक समय होता है जो सबका सेम होता है, जो परिवर्तन होता है कि भारत में अलग समय है और अमेरिका में क्या है, अभी यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, तो ये अपोजिट कैसे होता है, ये आप ग्लोब से बढ़ा सकते हो। पृथ्वी के वास्तविक आकार की जानकारी प्राप्त करवाना, इसमें क्या कर सकते हो, ग्लोब के माध्यम से आप पृथ्वी की वास्तविक जानकारी दे सकते हो आकार की, कि एक्चुअल में क्या है, पृथ्वी गोल नहीं है, नीचे से थोड़ी सी चपटी है, ठीक है, तो ये चीज़ें बता सकते हो। उसके बाद सीमाओं की जानकारी देना, विभिन्न देशों की सीमाओं की जानकारी देना, विभिन्न क्षेत्र राज्यों की क्या है, स्थल, उपज, वनस्पति के बारे में जानकारी देना कि हर जगह की क्या है, यहाँ पे मिट्टी अलग होती है, वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ की उपज अलग है, इस चीज़ के बारे में क्या है, आप ग्लोब के माध्यम से क्या है, बच्चों को जानकारी दे सकते हो, ठीक है। अब आपके लास्ट इसके अंदर सब पॉइंट आता है कि सजेशन और प्रिस्क्रिप्शंस क्या है, यानी कि सावधानियाँ और आपकी सुझाव क्या है ग्लोब को पढ़ाने के या उनको यूज़ करने के। फर्स्ट आता है
प्रत्येक सामाजिक अध्ययन अध्यापक को विभिन्न प्रकार के ग्लोब उनकी विशेष अनुदेशन क्रियाओं के माध्यम से प्रयोग करनी चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में थोड़ी सी व्याख्या, फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कि प्राथमिक कक्षाओं में आप थोड़ी सी व्याख्या कर सकते हो, माध्यमिक और जो बड़े स्कूल की कक्षाएं होती हैं उसमें आप प्रॉपर जानकारी दे सकते हो। सामाजिक ज्ञान की अध्यापक को ग्लोब का ज्ञान होना चाहिए, देशांतर रेखाओं का, डिग्रीज का, उनके कलर्स का, उनकी स्थिति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और सेकंड कि ग्लोब के बारे में पढ़ाते हुए उसकी स्थिति पर बल ना देकर उसके संबंधों पर बल देना चाहिए। ये नहीं कि ग्लोब की स्थिति थोड़ी ख़राब है, फेडेड है, कलर ठीक से नहीं दिख रहे या ये चीज़ का ध्यान ना देकर टीचर को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आप जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हो वो बच्चों को प्रॉपर वे में समझ आए, वो पॉइंट्स क्लियर हो, वो टॉपिक्स बच्चों को क्लियर हो, विद्यार्थी इसे भूमि के प्रति रूप समझे और इसे सावधानी से रखे। मतलब विद्यार्थी भी क्या करें, आपके स्टूडेंट्स भी क्या करें, इसको एक्चुअल अर्थ की तरह लें। ये नहीं कि एक ठीक है टॉय टाइप है, लात मारी निकले आगे खेलने बढ़ गए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सावधानी से रखें, इसका इस्तेमाल सावधानी से करें, प्रॉपर वे में इसको समझें, इसको रीडिंग करना आना चाहिए उन्हें। और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ग्लोब के जो अनुदेशक इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं उसके अनुसार ग्लोब की रीडिंग या ग्लोब को जो भी एक्सप्लेन करना है उसको इस वे में समझाए कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव सेट्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प हो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड था ग्लोब, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा आपका चार्ट। ठीक है, तो वो अगली क्लास के अंदर करेंगे, अभी के लिए ये वाली क्लास फिनिश करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, शेयर भी करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और KVS PGT से रिलेटेड जिसको भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।